हेलो गाइस, आज के डेट में मैं आपके लिए बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर्स लाया हूँ जो आयशा मोटर जैसे स्टॉक्स को टक्कर दे सकता है। इससे हम कंपेयर करेंगे क्योंकि आज के डेट में इसका प्राइस जो है आसमान छू दिया है। लेकिन आज से 20 साल पहले अगर हम देखते हैं तो इसका केवल प्राइस चल रहा था 10 रुपये पर शेयर। एक शेयर का प्राइस होता था 10 रुपये के आसपास। उस टाइम कोई भी नहीं पूछता था ऐसे शेयर्स को। आज के डेट में जब 30,000 के आसपास चला गया था तो लोग खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसी तरह आज मैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में बताना जा रहा हूँ जो उससे ज़्यादा ताकतवर है और आने वाले 10 साल में 12 साल में आप खुद बोल सकते हो कि हाँ, ये वो स्टॉक है जो हमारा फ्यूचर बदल सकता है। तो देख लेते हैं ये कंपनी क्या काम करती है। उससे पहले हम देख लेते हैं, तो ये कंपनी देख लीजिए 83% का रिटर्न दिया, वो भी एक महीने के अंदर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पैसा डबल करने वाला था लेकिन थोड़ा सा बच गया। तो यहाँ हम देख लेते हैं कंपनी क्या काम करती है। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, इन्फॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो कंपनी है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करती है और उसको डेवलप करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। और क्या आपको नहीं लगता आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर के दम पे ही जिएगा? क्योंकि आज के डेट में अगर आप देख लो, जो पेमेंट होते हैं सबसे ज़्यादा अगर ट्रस्ट होता है तो पेमेंट लेने में और देने में, तो वो भी आज के डेट में मोबाइल से हो जा रहा, वो भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर के कारण। आप 2-4 नंबर पासवर्ड के रूप में डाल दो और फिर चला जाएगा और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, एजुकेशन सेक्टर में है, तो ये कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। और अब हम इस केवल 6 रुपीज़ की कंपनी, मतलब केवल 6 रुपये में आपको मिल रहा, और इसको हम आयशा मोटर से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ तो अलग होगा ये कंपनी में, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिविडेंड के रूप में कंपनी क्या डिविडेंड हमें देती है या नहीं देती है। तो कंपनी आपको हॉनेस्टली हर बार डिविडेंड पे कर रही है, जितना प्रॉफिट हो रहा उतना आपको दे रही है। अब हम देख लेते हैं बोनस। बोनस देखिए वही कंपनी देती है जिसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता वही कंपनी आपको बोनस देती है। 2008 में देखिए इन्होंने बोनस दिया था 1:1 का, जो कि एक बहुत बड़ा बोनस होता, मतलब आपका शेयर यहाँ डबल हो जाता। आपके पास थाउजेंड है तो अब हो जाएंगे 2000, 1:1 का मतलब होता है। उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर स्टॉक ने दिया है 1:2 का बोनस, ठीक है। और एक बार इसने जो है स्टॉक को स्प्लिट भी किया है, इसलिए मैंने यहाँ जो थर्ड बोनस को इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए 2007 में यहाँ पर एक बार स्टॉक को स्प्लिट भी कर दिया। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देख लेते हैं तो 74% है, और हर बार इन्होंने अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है। यहाँ पर देख लीजिए मार्च है, सितंबर है, और ये है दिसंबर। आपके सामने रिजल्ट है। मार्च में 2019 में कितना था? 72%, और फिर सितंबर 2019 में कितना हुआ? 73%, और दिसंबर 2019 में कितना हो गया? 74%। हो सकता है आने वाले दिनों में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ा दे, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, जितना है उतना हम देख के आपको बता रहे हैं। ऊपर से एक भी शेयर प्लिज नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है कंपनी में। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कंपनी क्या है, प्रॉफिट है, डेट फ्री कंपनी है या नहीं, तो कंपनी में देख लेते हैं डेट नाम की कोई चीज़ नहीं, केवल 5.03% के आसपास कंपनी के आसपास डेट है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल असेट तो 130 के आसपास है, जो कि हम बोल सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर डेट है। ऐसे नॉर्मल बहुत सारे कंपनी में आपको हेवी डेट देखने को मिल जाएंगे, निफ्टी 50 में भी। और यहाँ पर देख लीजिए ये है 2018 में अगर हम देखते हैं तो कंपनी के पास क्या डेट था? हाँ था, 2018 में कंपनी के पास केवल 2.81% के आसपास था। आज के डेट में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है, लेकिन असेट के मामले में भी कंपनी आगे जा रही है, पीछे नहीं जा रही है। तो वो जो डेट है वो नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा हेवी डेट नहीं है कंपनी पे। और ये है मनी कंट्रोल का वेबसाइट, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 100% आपको ये शेयर्स ख़रीदना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मनी कंट्रोल का वेबसाइट में आपको बताया जा रहा है कि 100% आपको ये शेयर्स ख़रीदना है। और कुछ हम यहाँ पर फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो इसका पीई रेशियो है 28 के आसपास है, लेकिन इंडस्ट्री का पीई रेशियो कितना है? 43, बहुत ज़्यादा है। छोटी सी कंपनी में यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा बताया जा रहा है। डिविडेंड 5% के आसपास है, हाँ है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है और डिविडेंड इल 1.52% का है। तो कंपनी जितनी कंपनी प्रॉफिट हो रही है उतना आपको तो ये हिसाब से दे रही है।
और यहाँ पर हम चेक करेंगे कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी किस कंपाउंड से यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स में -10 था, लास्ट 5 ईयर में -20 था, लास्ट 3 ईयर में -29.76 था, बोल सकते हैं कि 30% के आसपास था। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 54%, वो भी प्लस में है, यहाँ माइनस में नहीं है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ी रिकवरी ली है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि कोई छोटे शेयर्स बताइए जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, अगर हम थोड़े बहुत भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आने वाले 5 या 10 सालों में हमें अच्छा से अच्छा ग्रोथ करके दे। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से सही है, बाकी फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि केवल आपको 6 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। देखिए ये केवल 3 या 4 रुपये का कंपनी था, 10 रुपीज़ का ये हाइएस्ट मारा था, उसका बाद थोड़ा सा गिरावट मारा है। अभी देख सकते हो कोरोना की वजह से सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म और यहाँ पर जो इसका एजुकेशन सिस्टम चलता है वो भी बंद है, इस वजह से गिरावट हो रहा। आप देखिएगा कोरोना जैसे ही हटेगा ऐसे बिजनेस को और भी आगे जाने के लिए मौका मिलेगा। तो मेरे तरफ से ये अगर आप देखते हो तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फिर भी आप एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़रूर एक बार चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या ये स्टॉक सूटेबल है आपके लिए या नहीं, तो आपको पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है।